तो है गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जासमाना के पीछे ही पड़ गए हैं ये लोग। इसी के बारे में बात करेंगे, कौन वो लोग हैं जो जासमाना के पीछे पड़े हैं। सो लेट्स गो फॉर वीडियो, फॉर मोर अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब। आपको एवी डलीवाल एंड जासमाना का बॉस सॉन्ग को लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, जिसपे एवी डलीवाल का यहाँ कहना था कि जासमाना ने उनका बॉस सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो चुराया है, यानी कि लीक करवाया भी था, एंड बॉस सॉन्ग का जो लिरिक्स है वो जासमाना ने चुराई है। ऐसा करके एवी डलीवाल का जासमाना पे ब्लेम था। ये जो कंट्रोवर्सी था वो बहुत ही जोरों शोरों से चला था। एवी डलीवाल ने जासमाना पे कई सारे ब्लेम लगाए थे एंड कई सारे रिप्लाईज जासमाना को एवी डलीवाल ने दिया था। जासमाना ने फुल रिप्लाई जो था एवी डलीवाल को दे दिया था, बिकॉज उनका कोई गलती नहीं था। उन्होंने ओनली फॉर प्रूफ के साथ एवी डलीवाल को प्रूफ दिया था कि बॉस सॉन्ग जासमाना ने ही लिखा है। सो कई सारे लोग मुझे बोलेंगे कि इस कंट्रोवर्सी को याद क्यों कर रहे, तो मैं आपको बता दूं, तो इस कंट्रोवर्सी को 3 से 4 साल होने वाली है, बट फिर भी एवी डलीवाल जो है जासमाना को बदनाम करने के लिए कई सारे न्यूज़ चैनल पे जाके जासमाना के बारे में बहुत ही इंसल्ट भरी बात करते हैं। एवी डलीवाल जो है जासमाना पे ब्लेम लगाते हैं कि जासमाना कॉपी कट है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चोर है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है, सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सब तो बड़ा चोर कौन है इंडस्ट्री में, कहता जासमाना कौन कहते भाई दे गाने चोरी सारे किए हैं मानक ने। ठीक है भाई, जो भी हुआ सही है। सूट पंजाबी लिखा सगा, लिखा बॉस लिखा सगा मैं। इस कंट्रोवर्सी का तो द एंड हो जाना चाहिए था, बिकॉज ये जो कंट्रोवर्सी था वो बहुत साल पहले हुआ था जासमाना एंड एवी डलीवाल के बीच, बट एवी डलीवाल जो है जासमाना को फोकट में बदनाम करने के लिए ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं कि जासमाना किया है, जासमाना को है, ऐसा करके, बट जासमाना ऐसा कुछ नहीं है। जासमाना ने सॉन्ग कॉपी नहीं किया था, बॉस सॉन्ग जासमाना ने ही लिखा था। अगर देखा जाए तो कई सारे जो लोग हैं वो जासमाना से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इसी वजह से एवी डलीवाल जो है जासमाना पे अभी भी ब्लेम लगाते हैं कि जासमाना जो है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चोर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब एवी डलीवाल जो है वो ऐसी फेम पाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये जो एवी डलीवाल है वो जासमाना के पीछे ही पड़ गया है, जबकि जासमाना ने सॉन्ग कॉपी नहीं किया था।